गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई नेम इज़ रमनदीप कौर ये लेक्चर है आपका मैनेजीरियर इकनॉमिक्स का आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंट के साथ रिलेटेड है रेंट इंटरेस्ट के साथ ठीक है तो हम आज रेंट और इंटरेस्ट का टॉपिक करेंगे राइट right? तो फर्स्ट है मीनिंग ऑफ रेंट रेंट का मीनिंग क्या है रेंट क्या, क्या होता है कि यार होता है कि एक रिवॉर्ड होता है फॉर लैंड विच इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ठीक है लैंड जो होता है रिवॉर्ड होता है सॉरी रेंट uh, जो होता है वो रिवॉर्ड होता है लैंड का जो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक फैक्टर है ठीक है जो हमारे फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें लैंड लेबर कैपिटल आ जाता है तो उसमें एक जो है लैंड भी है फैक्टर तो वो उसका रिवॉर्ड होता है रेंट तो फॉर इकॉनमिक्स दट इकॉनमिस्ट के लिए लैंड uh, uh, का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्स जैसे कि ग्राउंड वाटर फॉरेस्ट और है ना रिवर्स ऑयल ये सारा जो है वो लैंड uh, होता है ठीक है तो सिंस लैंड एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है और उसको हम रिप्रोड्यूस दोबारा से प्रोड्यूस्ड नहीं कर सकते तो जो सप्लाई होती है लैंड की वो परमानेंटली फिक्स्ड होती है इसलिए ये परफेक्टली इन इलास्टिक होती है तो जो टर्म रेंट uh, है उसका मतलब क्या होता है कि पेमेंट मेड टू द ओनर जो ओनर है लैंड का उसको पेमेंट करना टू ऑफ द फैक्टर टू यूज़ द सेफ फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कि आप किसी बंदे की आप लैंड यूज़ कर रहे हो तो उसको आप जो पेमेंट कर रहे हो डैट इज रेंट कि आप उसकी uh, किसी स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए उसकी जो लैंड है उसको यूज कर रहे हो तो उसके ओनर को जो है आप पेमेंट कर रहे हो डैट इज कॉल्ड रेंट तो so, यहाँ पर द टर्म लैंड इंक्लूड्स एनी मटेरियल एसेट विच हैज अ फिक्सड सप्लाई तो यहाँ लैंड का मतलब क्या है कोई भी मटेरियल एसेट जिसकी फिक्सड सप्लाई है फॉर एग्जांपल पेमेंट मेड टू यूज़ ऑफ हाउस ठीक है हाउस यूज़ करने के लिए आप पेमेंट मेड कर रहे हो व्हीकल मशीन कुछ भी यूज करने के लिए जो आप पेमेंट कर रहे हो डैट इज़ कॉल्ड रेंट तो इकोनॉमिक्स टर्म इट एज कॉन्ट्रैक्ट रेंट जो इकोनॉमिक्स है उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट रेंट मानते हैं तो जिसमें क्या इंक्लूड होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड जो मटेरियल एसेट में आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो इकोनॉमिक रेंट जो होता है वो टर्म इकोनॉमी यूज़ करते हैं टू टू द पेमेंट मेड फॉर यूजेज ऑफ लैंड कि जो आपने पेमेंट किया है यूजेज ऑफ लैंड के लिए डैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट ठीक है तो जो हमारे पास रेंट है वो तीन टाइप्स के होते हैं डिफरेंशियल सरप्लस स्केसिटी रेंट एंड क्वेसी रेंट ठीक है रेंट एज अ डिफरेंशियल सरप्लस जो डेविड जो डेविड रिकार्डो थे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है ठीक है उन्होंने डिफाइंड किया रेंट को द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर्स ऑफ द सॉइल कि जो प्राइस आप ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टेबल पावर्स हैं सॉइल की उसके लिए पेड करते हो डैट इज तो रेंट ठीक है तो रिकॉर्ड ने एक्सप्लेन किया रेंट की रेंट इज ठीक है, वो में आ रहा है rent, cost, जो आपका रेवेन्यू है ओवर कॉस्ट जो अराइज हुआ डिफरेंस लेवल ऑफ फर्टिलिटी की वजह से जहाँबिलिटी ऑफ लैंड की वजह से जो अराइज हुआ दैट इज कॉल्ड रेंट जो सरप्लस अराइज हुआ तो जितना हायर रेंट जो होगा वो अर्न होगा लैंड लैंड ओनर्स इफ़ द क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ बेटर ठीक है अगर आप हायर रेंट मीनस के अपनी लैंड की क्वालिटी बेटर है तो जो लैंड ऑनर है वो हायर रेट ऑफ रिटर्न हायर रेंट जो है वो अर्न करेगा राइट नेक्स्ट जो है वो है स्केयरसिटी रेंट स्क्यरसिटी रेंट मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि स्केयरसिटी ऑफ लैंड एक्ट एज अ बेसिस फॉर द कंसेप्ट ठीक है एक बेसिस होता है रेंट के कंसेप्ट के लिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि रेंट वुड अराइज इवन इफ ऑल लैंड आर इक्वल क्वालिटी की लैंड रेंट आपको तब भी राइज होगा जब सारी लैंड जो है वो इक्वल क्वालिटीज़ की होंगी ठीक है तो मॉडर्न थ्योरी फर्दर सजेस्ट क्या करती है कि रेंट जो है वो प्राइस को डिटर्मिन नहीं करता बट जो प्राइस है वो रेंट को डिटर्मिन करता है ठीक है डैट इज़ कि जब प्राइस आपका हाई होगा तो रेंट भी आप हाई चार्ज कर सकते हो जो प्राइस लो होगा तो आपको रेंट भी लो ही चार्ज करना पड़ेगा राइट नेक्स्ट है क्वासी रेंट एल्फर्ड मार्शल के अकॉर्डिंग एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं वो उनके अकॉर्डिंग रेंट एक इनकम है जो टेंट कहां से हुई है ओनरशिप ऑफ लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्सेज की ओनरशिप से ऑबटेंड की है तो मार्शल का ओपिनियन था कि लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज होती है और इसकी सप्लाई जो होती है परफेक्टली इन इलास्टिक होती है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल पर्सन फर्म और इंडस्ट्री जो है वो सप्लाई करती है है ना उनकी जो सप्लाई होती है लैंड की वो डिपेंड करती है कि प्रिवेलिंग रेंट कितना चल रहा है जो इन जो इलास्टिक होते हैं नेचर में राइट right? तो उसके व्यू में क्या था कि सप्लाई जो लैंड की होती है वो फिक्स्ड होती है और रेंट जो है वो अर्नड लॉन्ग रन में भी उसको आप रन कर सकते हो तो अब लैंड के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो जिनकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड होती है वो भी रेंट को अर्न कर सकते हैं बट वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अर्न करेंगे राइट नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या होता है रिवॉर्ड फॉर कैपिटल जो आपकी कैपिटल के लिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ठीक है जो ओनर होता है कैपिटल का वो रिसीव करता है इंटरेस्ट जब वो अपनी लैंड जो अपनी कैपिटल जो है वो किसी हो हो और बंदे को लैंड कर देता है उधार पर देता है तो डै तो जो वो रिसीव करता है डैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट तो कैपिटल जो है वो दो टाइप्स की होती है फिक्स्ड कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल तो जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी इज़ द इनकम होती है जो सिर्फ वेरिएबल कैपिटल से आप अर्न कर सकते हो तो इंटरेस्ट जो अर्न किया ओनली डैट पोर्शन ऑफ कैपिटल ठीक है उसी उस चीज़ पर आप उस कैपिटल के पोर्शन पर आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो जो ओनर ने बोरो को बॉरवर की है बॉरवर को दिया है जिसने उधार लिया है उसको दी है तो उसी कैपिटल पर आप जो है इंटरेस्ट <coughs> जो है अर्न कर सकते हो तो इन अदर वर्ट इट इज़ द प्राइस पेड बाई द बॉरवर जी इंटरेस्ट क्या है जो बॉर्वर प्राइस पेड करता है टू द लैंडर लैंडर को पे करता है ठीक है तो बेसिक कंसेप्ट इसमें ग्रॉस इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट आता है ग्रॉस इंटरेस्ट क्या होता है कि व्हेन द बोरोअर पे एन अमाउंट टू द लेंडर जब बोरोअर जो है वो पे करता है अमाउंट लेंडर को है ना जो भी उसने बोरो की, उसकी है ना मनी जो कैपिटल है उसने बोरो की है तो उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं तो देर फॉर वैन पीपल रेफर टू इंटरेस्ट दे जनरली रेफर टू ग्रॉस इंटरेस्ट ठीक है ग्रॉस इंटरेस्ट होता क्या कि टोटल अमाउंट जितना बोरोअर ने लेंडर को पे किया मनी का वो है को, uh, वो है ग्रॉस इंटरेस्ट ठीक है नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट जो होता है अमाउंट पे किया कैपिटलिस्ट ने ओनली फॉर द यूज़ ऑफ कैपिटल जितनी कैपिटल उसने यूज़ की उसके लिए जो अमाउंट पे किया वो होता है नेट इंटरेस्ट ठीक है इट इज द रिवॉर्ड टू पे टू द कैपिटलिस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द यूज ऑफ कैपिटल नेट इंटरेस्ट जो होता है वो कंपनसेशन होती है अपनी कैपिटल दूसरों को देने के लिए आपको जो कंपनसेशन कं, कं, मिलती है ठीक है तो ग्रॉस इंटरेस्ट क्या होता है जिसमें प्राइस ऑफ द कैपिटल प्लस रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क ऑफ मनी इन लैंडिंग प्लस रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ लोन प्लस अदर ठीक है जो भी अदर होंगे एक्सपेंसेस जैसे कि रिवॉर्ड फॉर एक्सेप्टिंग द इनकनवीनियंस इन्वॉल्व इन मनी लैंडिंग ये सारा तो ग्रॉस इंटरेस्ट थस इंक्लूड्स कंपनसेशन फॉर लोन ऑफ कैपिटल कंपनसेशन टू कवर रिस्क ऑफ लॉस कंपनसेशन फॉर इनकनवीनियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन फॉर वर्क एंड एप्रीशन रिलेटेड टू मोनिटरिंग इन्वेस्टमेंट तो ये सारा ग्रॉस इंटरेस्ट में इंक्लूड होगा तो ये क्लास ये था आपका रेंट का कंसेप्ट एंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कवर करेंगे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना थैंक यू क्लास